एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क के बारे में हमने उसके डिफरेंट फ्लेवर्स के बारे में, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिदम्स के बारे में हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में काफ़ी सारे हमने डिस्कशंस की। बेसिक आइडियाज़ हमारे पास है कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके प्रोसीजर्स हैं, उनके स्ट्रेटजीज है, उनकी इंस्पायरेशन है, वी हैव अ गुड आइडिया ऑफ ऑल दीज। बट जब भी हम कोई एल्गोरिदम यूज़ करते हैं तो उस एल्गोरिदम की, उस सिस्टम के प्लस माइनस के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी सिस्टम, कोई भी एल्गोरिदम ब्लाइंडली कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। उसके उस स्पेसिफिक सिनेरियो में उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर उसका क्या हमें फ़ायदा हो सकता है, वो सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमें पहले से नोन होने चाहिए, और फिर हम मल्टीपल सिस्टम्स की, सॉफ्टवेयर्स की, या जो एल्गोरिदम्स है उनकी मौजूदगी में हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एल्गोरिदम को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सा एल्गोरिदम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। इसी पर्पस के लिए हम न्यूरल नेटवर्क्स की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हाईलाइट करना चाहते हैं कि क्या क्या इनके एडवांटेजेस है। जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, तो उसके ऊपर हम इसको क्यों अप्लाई करेंगे और क्यों अप्लाई नहीं करेंगे उसकी वजह से, इसलिए हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को इन डिटेल हाईलाइट करेंगे। देर आर ए नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, और जिसकी वजह से हम इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। बाद में हम इसकी डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे कि अगर वो डिसएडवांटेज स्पेसिफिक सिनेरियो में ज़्यादा मीनिंगफुल है तो फिर हम इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। न्यूरल नेटवर्क्स कैन वर्क फाइन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हमारे पास कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे फिर कुछ एल्गोरिदम्स तो हम बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ एल्गोरिदम हम अप्लाई कर सकते हैं। सो न्यूरल नेटवर्क्स आर वन अमंग दोज एल्गोरिदम्स विच कैन बी अप्लाई टू दोज प्रॉब्लम्स वेयर वी हैव इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। They do not require knowledge of the algorithm solving the problem, means they have the ability of automatic learning. That's why they do not require the knowledge of the algorithm solving a specific problem. They process information in a highly parallel way. Inki jo parallelism, parallel nature hai, this nature make them so much powerful to solve a problem. So this is again another advantage of using through which we can use this neural network algorithms. They have the property of generalization. They can be generalized, means they can be applied to those problems which are unseen for their specific type of neural network. Kuch algorithms hamare paas aise hai ke unko unseen problems ke upar simulate nahi kiya ja sakta, but they have this property to be generalized, or again this is an advantage of the neural network over others. They are resistant to partial damage. अगर कोई limited या partial damage हो जाता है तो इनकी performance के ऊपर कोई बहुत बड़ा effect नहीं पड़ेगा, because they are resistant to that partial damage, and this is a very good property of them. और अगर हमारे पास ऐसे cases है कि जहाँ पर हमें ख़तरा होता है कि अगर कोई damage हो जाएगा तो system हमारा fail हो जाएगा, तो उन cases में specifically हम इनको apply कर सकते हैं। They can perform associative memory as opposed to addressable memory of the typical classical computers. Again, very good advantage of the neural network. Neural network can perform tasks that cannot be performed by linear models. ऐसे बहुत सारे टास्क हो सकते हैं जो लीनियर मॉडल्स के थ्रू परफॉर्म नहीं हो सकते, बट ऑल दोज टास्क कैन बी परफॉर्म्ड सॉल्व बाय न्यूरल नेटवर्क्स। कभी भी ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग द रन टाइम और प्रोसेसिंग के दौरान के किसी भी एल्गोरिदम को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई एलिमेंट फेल हो जाए, और उस केस में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो सकती है या वो बिल्कुल फेल हो सकता है। बट न्यूरल नेटवर्क हैज़ दिस एबिलिटी दैट इफ एन एलिमेंट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क फेल्स, दे विल कंटिन्यू इट्स परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ इट्स पैरेलल नेचर। सो दिस इज़ अगेन ग्रेट एडवांटेज ऑफ देम के कोई एलिमेंट फेल होने के बावजूद भी इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इनके पैरेलल नेचर की वजह से दे विल कंटिन्यू टू रन। न्यूरल नेटवर्क लर्न्स एंड डज नॉट नीड टू बी रीप्रोग्राम्ड अगेन एंड अगेन। अनदर एडवांटेज ऑफ देम, दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी एप्लीकेशन। सो ये हमें ये भी आज़ादी देती है कि किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर हम इनको प्रोग्राम कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी सिस्टम्स मौजूद है, कुछ एल्गोरिदम्स मौजूद है कि जो किसी एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं वो सिर्फ उसी एप्लीकेशन के अंदर हम प्रोग्राम कर सकते हैं। सो
but they have the ability to be programmed in any application. और ये उसके बहुत सारे एग्जाम्पल मौजूद है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर इनके डिफरेंट एल्गोरिदम जो है वो इम्प्लीमेंटेड है. दे हैव लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉडल्स, सो वी कैन अप्लाई देम विद थ्रू दिस लीनियर एंड नॉन लीनियर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल. ये भी हमें इनको यूज़ करेंगे तो हमें लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी का भी कोई इशू नहीं होगा. कम्प्लेक्स एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स कैन बी डिराइव्ड यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स, अनदर एडवांटेज ऑफ देम. ये हमें ये भी लिबर्टी देती है कि फ्लैक्सीबल इनपुट्स की के और आउटपुट्स की भी फ्लैक्सीबिलिटी हमें देती है. हम किस फॉर्म में आउटपुट चाहते हैं वो भी फ्लैक्सीबल है, और किस फॉर्म में इनपुट हम देना चाहते हैं दिस अगेन फ्लैक्सीबल. सो दे कैन ऑपरेट यूजिंग वन आर मोर डिस्क्रिप्टर्स एंड आर रिस्पॉन्स वेरिएबल्स. दे कैन ऑल्सो बी यूज विद कैटागोरिकल एंड कंटिन्यूस डेटा. कभी कभी हमारे पास किसी एल्गोरिदम की लिमिटेशन ये हो सकती है कि हमारे पास जो डेटा टाइप आ रहा है, जो डेटा का नेचर है, जो उसका बिहेवियर है वो कैसा है, तो हम एल्गोरिदम सिलेक्शन करते हैं. हमारे पास कैटागोरिकल डेटा है तो हम फलाना एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, या अगर कैटागोरिकल डेटा हो है तो ये स्पेसिफिक एल्गोरिदम हम यूज़ नहीं कर सकते. बट इन केस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ये किसी भी कैटागोरिकल और कंटिन्यूस डेटा दोनों के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो रेजिस्टेंट टू नॉइज, दे आर लेस, दे विल बी लेस अफेक्टेड विद नॉइज अगर हमारे पास नॉइजी डेटा है. सो अगेन नॉइजी डेटा, नॉइजी प्रॉब्लम्स कैन बी हैंडल्ड विद द न्यूरल नेटवर्क्स. जहाँ पे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है वहाँ पे हर सिस्टम की तरह जो बाकी सिस्टम्स की भी कुछ लिमिटेशन हो सकती है, इस तरह न्यूरल नेटवर्क्स की भी कुछ लिमिटेशंस है. कुछ लिमिटेशन सीरियस लिमिटेशंस होते हैं, कुछ नॉन सीरियस होते हैं, बट स्टिल दे आर लिमिटेशन. हमें उनका पता होना चाहिए, फिर जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि उस केस में वो लिमिटेशन जो है वो कितना सीरियस है, तो फिर हमें उसकी चॉइस का अंदाज़ा हो कि हम इसको चॉइस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द न्यूरल नेटवर्क इज़ दे नीड ट्रेनिंग टू ऑपरेट. ट्रेनिंग के बगैर हम उनको ऑपरेट नहीं कर सकते. उनकी सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों तरह के फ्लेवर्स मौजूद है, बट स्टिल दे नीड ट्रेनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो ये उनकी एक लिमिटेशन है, बगैर ट्रेनिंग के हम इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते. एक दूसरा जो इनका लिमिटेशन है वो ये कि there is a difference in the architecture of the microprocessor and architecture of the neural network, and that's why they need to be emulated before we use them. So another limitation, they requires high processing time for larger neural network. Lekin hamare paas har time very large neural networks nahi hote, so ye jo disadvantage inka hai inko recover bhi kiya ja sakta hai. Hame इनका एक और डिसएडवांटेज इनका ये है कि कभी कभी रिसर्चर्स कहते हैं कि दे आर ब्लैक बॉक्सेस बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन इन अ मीनिंगफुल वे हाउ द रिजल्ट वाज बेसिकली कैलकुलेटेड. ये हम मीनिंगफुल वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि रिजल्ट इन्हें कैसे सिस्टम को प्रोसेस करके वो रिजल्ट कैलकुलेट किया, एंड सो दे कैन बी कंसिडर्ड एज ब्लैक बॉक्सेज. देर आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी सेट बिफोर वी यूज देम. सो पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन का एक प्रॉब्लम है इनको यूज़ करते हैं, और स्पेशली इन द केस ऑफ ओवर ट्रेनिंग ये भी उनका एक लिमिटेशन है. लेकिन हमें इन एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को जानने के बाद हमने ये डिसाइड करना होता है कि अगर किसी सिनेरियो में हमने कोई एल्गोरिदम यूज़ करना है तो उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें पता हो. अगर उसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज से ज़्यादा है और उसके एडवांटेज जो है वो कोई इतनी खास सीरियस नहीं है उस स्पेसिफिक सिनेरियो में, देन कैन वी बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली कैन डिसाइड टू यूज़ दीज एल्गोरिदम्स. और जो स्पेशली न्यूरल नेटवर्क्स है इनके एडवांटेजेस इतने ज़्यादा है, चूँकि इनके डिसएडवांटेजेस कोई इतनी सीरियस जितने हम डिस्कस किए वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉन्फिडेंटली चॉइस देम. जब भी हम चॉइस ऑफ सेलेक्शन ऑफ एल्गोरिदम करते हैं तो वी कैन कॉन्फिडेंटली रिलाई ऑन दीज न्यूरल नेटवर्क्स.